हैं। सतना के रैगांव क्षेत्र में 13 दिन में दूसरी बार जन दर्शन करने पहुंचे सीएम शिवराज। सीएम शिवराज ने प्रदेश के हर भूमिहीन आवासहीन को भू अधिकार देने की घोषणा की। इतना ही नहीं, उन्होंने करसरा गांव में जनसंवाद के दौरान गांव का नक्शा बनाने के भी निर्देश दिए हैं और गांव वालों को हो रही परेशानी को दूर करने के निर्देश भी दिए। मुझे जो ये बात यहाँ बताई कि करसरा और गांव भवर का नक्शा नहीं है, मैं कलेक्टर को निर्देशित कर रहा हूँ पुराने रिकॉर्ड सारे निकाले जाएं और पीछे जाके कैसे यहाँ का नक्शा तैयार हो सकता है, गांव के लोगों से बात करके उसका इंतजाम किया जाए। यहाँ पीने के पानी की पीएचई वाले आ जाए, इधर कब आओगे भाई? दस बार नोट कर लो। नहीं, कब आओगे? फिर कल नहीं आ सकते, टाइम बताओ, गांव वालों को बताऊंगा। कल ये पीएचई के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ये आएंगे करसरा, तो ये आएंगे पीएचई के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आपके साथ बैठेंगे और आप जहां बताओगे वहां पूरा परीक्षण करवाएंगे। अच्छा, बिजली वाले का इधर आ जाओ भाई, एमपीबी से कौन है, इधर आ जल्दी फटाफट आओ बिजली वाले। अच्छा, एक मास से एक अलग फीडर, एक मिनट सुनो, करसरा के लिए लाएंगे, उसके लिए 45 लाख रुपया मैं स्वीकृत कर रहा हूँ ताकि तात्कालिक रूप से लाइट ठीक हो जाए। उधर बैठ जाए, इसका नाम नोट कर ले, इसका कहाँ इलाज हो सकता है, क्या हो सकता है, मैं पूरी व्यवस्था इस बच्चे की करूंगा। अम्मा थोड़ी भीड़ से हट जाए, बाकी लोगों में दिक्कत हो रही होगी, है ना।